क्लास तो आप सभी ने कल का वीडियो देखा होगा। और कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेटा नाइट्रोजन का गुण, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कई पॉइंट देखे थे। अब आज हम जो है उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आज का हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो, अब देखो आपने गुण देख लिया, अब गुण देखने के बाद भाई उसका उपयोग भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का उपयोग में जो आपका सबसे पहला पॉइंट है तो नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में, नाइट्रोजन का उपयोग सबसे पहला किस पॉइंट में आएगा बेटा, नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में। नाइट्रोजन के यौगिक बनाने का मतलब क्या हो गया, तभी हम लोग कुछ यौगिक के बारे में आगे देखेंगे भी। तो नाइट्रोजन के यौगिक में जैसे सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल अभी जिसको हम लोग देखेंगे भी वो आपका कौन सा होता है बेटा, NH3, ठीक है। NH3 जिसको हम लोग अमोनिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कई यौगिक बनाएगा जैसे HNO3। उसके बाद कल आप लोगों ने देखा था बनाया गया था कैल्शियम साइनामाइड, CaCN का होल ट्वाइस। इसी तरीके से अनेक प्रकार के नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में हम लोग सॉरी नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का उपयोग में सबसे पहला तो आ गया कि नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में, सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया बेटा कि नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के यौगिक को तो बना लिया हमने, अब क्या बनाएंगे। तो दूसरा देखिए, दूसरा जो पॉइंट आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, वायु में उपस्थित क्रियाशील गैसों से अक्रिय वातावरण प्राप्त करने में। यानी आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ था नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन अक्रिय होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, अक्रिय होता है। और अक्रिय होने के साथ साथ आपको एक बात और बताया था, अगर वायु वायु आपका कुछ इतना आयतन घेर रही होगी तो उस वायु के आयतन में से मैंने बताया था कि 78% यानी 78% जो है आपका आयतन से क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और बचा हुआ जो 22% है, बचा हुआ जो 22% है उसमें क्या होंगे बेटा, अन्य गैसें उपस्थित होंगी। उसमें आपके क्या होंगे, अन्य गैसें उपस्थित होंगी। तो ये जो अन्य गैसें उपस्थित हैं वो सब क्या होंगे बेटा, क्रियाशील गैसें होंगी। वो सब क्या होंगी, क्रियाशील गैसें होंगी। तो अगर जो क्रियाशील गैसें हमारी एटमॉस्फेयर में उपस्थित होगी, हमारे वायुमंडल में उपस्थित होगी, वो अगर अभिक्रिया कर लेगी तो कुछ ना कुछ बनाएगी। हो सकता है वो जो बनाए वो हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। तो उसी को कम करने के लिए, मतलब उसको अक्रिय बनाने के लिए, हमारे वातावरण को क्या बनाने के लिए, अक्रिय बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है। तो वायु में जो उपस्थित क्रियाशील गैसें हैं उसको उससे अक्रिय वातावरण प्राप्त करने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का। हम करते नहीं है नाइट्रोजन, पहले से ही कल मैंने बताया हुआ था कि 78% वो पहले से ही विद्यमान है, इतनी ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये क्या करता है, वातावरण को क्या कर देता है, अक्रिय कर देता है। उसके बाद इसका एक और गुण है वो क्या है, तो द्रव नाइट्रोजन का उपयोग द्वारा निम्न, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा बेटा, देखिएगा, द्रव नाइट्रोजन का उपयोग द्वारा निम्न, यहां पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा आप लोग, क्या ऐड कर लेंगे, ताप, निम्न ताप प्राप्त किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करके निम्न ताप प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है, निम्न ताप। अगर किसी अभिक्रिया में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अभिक्रिया में टेम्परेचर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, उस टेम्परेचर को आपको कम करना है, उस ताप को आपको कम करना है, तो आप उसमें द्रव नाइट्रोजन मिला सकते हैं। आप उसमें जैसे ही द्रव नाइट्रोजन मिलाएंगे उसका ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही आपका कि द्रव नाइट्रोजन के उपयोग द्वारा निम्न ताप प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्न ताप,
इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या लिखना होगा, आपको निम्न ताप प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उपयोग थे हमारे, ये कुछ उपयोग थे किसके, नाइट्रोजन के। सबसे पहला तो नाइट्रोजन यौगिक बनाने में, और दूसरा वातावरण को अक्रिय बनाने में, और तीसरा अगर किसी अभिक्रिया में उष्मा बहुत ज्यादा निकल रही है, अभिक्रिया में उष्मा बहुत ज्यादा निकल रही है तो उस अभिक्रिया को उष्मा को कम करने के लिए हम लोग किस नाइट्रोजन का यूज करते हैं, द्रव नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करेंगे, और आगे की टॉपिक में जो है आपका बेटा, जैसा कि हम लोग देखा था कि नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग किस लिए कर रहे थे, पहला पॉइंट जो मेन था हम लोग का क्या, नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में। तो अब हम कुछ यौगिकों की बात करेंगे, और उन यौगिकों की बात करते हुए पॉइंट हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन के यौगिक। और नाइट्रोजन के यौगिक में सबसे पहले हमको बात करनी है बेटा, जो मैंने बोला कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अमोनिया। और इस अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने है, स्क्रीन पर है, क्या है, NH3, जो कि आप जानते हो। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, जो कि आप देख रहे हो। और इसी के साथ इसमें कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा, पहला कि जैसा कि अभी मैंने हम लोगों ने बात किया कि नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया प्रमुख यौगिक है। अगर आप नाइट्रोजन के यौगिक की बात करेंगे तो उसमें अमोनिया क्या है, सबसे प्रमुख यौगिक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा, यह नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। यह क्या है आपका, नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। स्थाई हाइड्राइड का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि स्थाई हाइड्राइड इन द सेंस, स्थाई मतलब तो आप लोगों को मालूम होगा बेटा, स्थाई मतलब होता है स्टेबल। स्थाई मतलब क्या होता है, स्टेबल। और ये क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड। और ये जो हाइड्राइड है, ये आप लोगों को एक बार मैंने बताया हुआ है बेटा, क्या हाइड्राइड क्या होता है, पिछले वीडियो में बताए गए हैं, पिछले वीडियो में बताए गए हैं कि हाइड्राइड किसे कहते हैं। तो जब कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्राइड बनाता है, आपने देखा था। और उस हाइड्राइड में जो इस ग्रुप के तत्व हैं वो कौन सा हाइड्राइड बना रहे थे, तो आपको याद होना चाहिए वो EH3 प्रकार का हाइड्राइड बना रहे थे, जो कि आपको पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बताया गया है कि हाइड्राइड जो ग्रुप 15 के होते हैं, ग्रुप 15 के जो तत्व होते हैं, वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं, वो बेटा EH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। उसमें अमोनिया जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थाई हाइड्राइड होता है, वो सबसे ज्यादा स्थाई हाइड्राइड होता है। और इसी बात पे अगर हम बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इनका स्थायित्व तो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दूसरा पॉइंट यहां पे क्या हो गया, यह नाइट्रोजन का एक स्थाई हाइड्राइड है। कैसा हाइड्राइड है, स्थाई हाइड्राइड है, यानी ये आपका स्टेबल होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षार आप जानते होंगे, जब धातु और क्षार होता है बेटा, और अम्ल होता है, दो चीजें होती हैं, क्षार और अम्ल। क्लास आप 10 में पढ़े होगे, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा क्षार और अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, यानी इसका जो स्वाद होगा वो कड़वा होगा। अब चखने मत लगिएगा, इसका स्वाद कड़वा होगा तो ऐसा नहीं है कि आप लैब में जाइएगा, अमोनिया दिखे, अगर आपको अमोनिया बना रहे हो और उस अमोनिया को आप टेस्ट करने लगो, हाँ सर ये तो कड़वा लग रहा था, ठीक है, तो टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है, यानी ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तीसरा पॉइंट के बाद आप चौथे पॉइंट को देखिए, तो वायुमंडल में अमोनिया गैस बहुत थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन ढेर सारा है वायुमंडल में, नाइट्रोजन जो है हमारा वो ढेर सारा है, मतलब नाइट्रोजन इफरात है, कितना है देखा ही था आपने। लेकिन जो अमोनिया है, जो नाइट्रोजन का यौगिक है, वो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा मात्रा में पाया जाता तो देखो अभी देखा ना हमने, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तभी हम लोग ये जो हमारे आसपास जो हम सांस ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ये सब आपको कैसा लगने लगता, कड़वा कड़वा। तो सांस नहीं लेते, और सांस नहीं लेते तो फिर हमको कोई ले जाता, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखेंगे यहां पे, अगला पॉइंट,
अमोनिया की एक अपनी ही अलग गंध होती है, इसकी एक विशेष गंध होती है, ठीक है। और वो गंध कैसी होती है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपके आसपास में जो सुलभ शौचालय होगा ही, आपके आसपास में सुलभ शौचालय होगा, आप वहां चले जाओ और आपको अमोनिया की गंध प्राप्त हो जाएगी। तो अमोनिया की एक विशेष गंध होती है। अब वो विशेष गंध में, अब ये नहीं सर वो कौन सी गंध होती है, गुलाब की तरह महकेगा कि चमेली की तरह महकेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपको कैसा महकेगा। तो आप अपने आसपास में सुलभ शौचालय में चले जाइएगा, वहां पे जो महक आ रही होगी वही महक होती है किसकी, अमोनिया की। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, प्रकृति में अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम सल्फेट के रूप में अमोनिया पाई जाती है। यानी जो हमारा प्रकृति है, हमारी जो प्रकृति है, इस प्रकृति में अमोनिया, आपने यहां देखा था वायुमंडल में अमोनिया गैस बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में जो अमोनिया गैस है बेटा वो बहुत थोड़ी मात्रा में पाया जाता था, जैसे अभी आपने इस पॉइंट में देखा था, ठीक है। उसके बाद यहां आपने लिखा हुआ है कि प्रकृति में अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम सल्फेट के रूप में अमोनिया पाई जाती है। प्रकृति में अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम सल्फेट के रूप में अमोनिया प्राप्त होती है। और यहां पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, कल मैंने बताया हुआ था अपने पिछले वीडियो में, यहां पर भी मैं एक बार समझाता हूं। अमोनियम क्लोराइड नाम दिया, फॉर्मूला नहीं दिया, नाम दिया है फॉर्मूला नहीं दिया है। तो अगर बात आ जाएगी कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था अमोनियम का फॉर्मूला होता है बेटा NH4 प्लस, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 प्लस, और क्लोराइड है यानी वो हो जाएगा Cl माइनस। तो NH4 प्लस और Cl माइनस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज, यहाँ एक प्लस चार्ज, यहाँ एक माइनस चार्ज, तो बनेगा क्या, क्या बन रहा होगा, तो NH4Cl बन रहा होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा। यानी प्रकृति में जो नाइट्रोजन पाया जाएगा वो अमोनियम क्लोराइड के रूप में पाया जाएगा, और दूसरा अमोनियम सल्फेट के रूप में पाया जाएगा। इसका फॉर्मूला आप लोग रिप्लाई करोगे, इसका फॉर्मूला आप लोग मुझे अभी कमेंट में रिप्लाई करोगे, मैसेज में रिप्लाई, लाइव चैट में रिप्लाई करोगे, लेकिन आप करोगे। मुझे जानना है कि आप बना पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बेटा जब तक आप फॉर्मूला नहीं बना पाओगे ना, तो फिर केमिस्ट्री में मजा नहीं आएगा। अगर आपको केमिस्ट्री में मजा लाना है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लाना है, तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। और छोटी छोटी चीजों में सबसे छोटी चीजें क्या होती हैं, आपको यौगिकों का फॉर्मूला बनाने आना होगा, और फॉर्मूला बनाने के लिए वो यौगिक किससे किससे मिलके बने हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, और उनके ऊपर आवेश कितने हैं, और उन आवेश को संतुलित करते हुए फॉर्मूला बनाना है। तो आप लोगों को अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा है अमोनिया बनाने की विधि। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर क्या है, वो है अमोनिया बनाने की विधि। और अमोनिया बनाने की विधि में अगर हम बात करें तो हमारे पास ढेर सारी विधियां हैं, हमारे बुक में ढेर सारी विधियां हैं हमारे, लेकिन हम उनमें से कुछ जो आपके एग्जाम में, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड को, किसको, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड जल और क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा, एक मिनट। हाँ, तो क्या था बेटा, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है,
तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, और जो मेन हमको बनाना है, क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया प्राप्त होता है। अब यहां पर देखो, अमोनियम क्लोराइड मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया NH4Cl होता है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है, और इस NH4Cl और बुझे हुए चूने, अब सर ये बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा हुआ इंसान जानते हैं, ये बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो बुझा हुआ चूना बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। तो जब आप अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने को गर्म करोगे, अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो जैसे ही आप गर्म करोगे आपको क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, तो CaCl2। जल प्राप्त होगा यानी H2O। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमको मिलेगी वो हमारा है बेटा अमोनिया यानी NH3, जो कि हमको बनाना था। तो ऐसी कुछ अभिक्रिया प्राप्त होगी अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर। तो अब इसमें देखिए क्या ये अभिक्रिया हमारी संतुलित है, देखते हैं। तो कैल्शियम एक इधर है, कैल्शियम एक इधर है, संतुलित है। लेकिन अगर हम क्लोरीन को देखें तो दो क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन उधर है, तो क्लोरीन संतुलित नहीं है। और क्लोरीन को संतुलित करने के लिए पहले हमने यहां पे 2 कर दिया, और जैसे 2 किया तो क्लोरीन तो संतुलित हो गया, लेकिन जो नाइट्रोजन पहले संतुलित था अब वो असंतुलित हो गया, उसको संतुलित करने के लिए हमने यहां फिर से 2 कर दिया। तो नाइट्रोजन संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन देखा जाए, हाइड्रोजन संतुलित है क्या, तो 6 हाइड्रोजन यहां पे, 4 × 2 कर दो, 4 में 2 से गुणा कर दो, 8 यहां पे और 2 यहां पे, हाइड्रोजन 10 इधर है और इधर कितना है, 6 और 2 8, यहां कम है, कितने कम है, तो 2 कम है। तो 2 को बराबर करने के लिए हमने यहां 2 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो अब देखो हाइड्रोजन बराबर हो गया, 3 × 6 और 2 × 4 यानी 10, यहां 4 × 8 और 2 = 10। ऑक्सीजन देखा जाए तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 2, यानी अमोनिया प्राप्त करने की सबसे विधि, पहली विधि जो कि आपके एग्जाम में भी आती है, इस विधि को आप ध्यान से देखिएगा और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अभी पहले अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया प्राप्त होता है। तो उसके लिए आपको 2 मोल अमोनियम क्लोराइड का, 1 मोल बुझे हुए चूने का लेना होगा, और उससे आपको 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के, 2 मोल जल के और 2 मोल अमोनिया के प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इसी विधि को, मतलब बुझे हुए चूने और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया को हम लोग प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं, इसी विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं, यानी प्रयोगशाला में इसी विधि द्वारा अमोनिया प्राप्त की जाती है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाएगा, तो ऐसे ही बनाया जाएगा जैसे मैंने बताया। कैसे बनाया जाएगा, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड, जल और जो हमको बनाना है यानी अमोनिया प्राप्त होगा। तो अब अमोनिया प्राप्त होगा बेटा, उसके लिए थोड़ा सा आगे देखिएगा, थोड़ा सा आगे देखिए, उसके बाद मैं फिर से उसी बात पे आता हूं। और ये स्क्रीन पर, बड़े से स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, और मुझे लगता है कि ये डायग्राम आप सभी को साफ साफ दिख रहा होगा, डायग्राम साफ दिख रहा है ना, सारी चीजें डायग्राम में आपको क्लियर दिख रही होंगी। यहां देखो एक पूरा का पूरा सेटअप है, इस सेटअप को आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ये जो पूरा का पूरा औजारों का बीकर है, आपका लैंप है,
कई बीकर हैं, स्टैंड हैं, इन सभी को मिला के ये जो आपका यंत्र तैयार किया गया है, क्या बनाने के लिए? अमोनिया बनाने के लिए। कहाँ तैयार किया गया है? लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण डाला गया है। ये देखिए, ये जो है ना, ये अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, और इस मिश्रण को यहाँ लैंप के द्वारा गर्म किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? लैंप के द्वारा गर्म किया जा रहा है। और जब हम इसको गर्म कर रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है बेटा। पहले जो मिश्रण है वो आपको समझ में आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। देखो ये दूसरा चैम्बर है, दूसरे चैम्बर में ये परख नली द्वारा इसको जोड़ा गया है। इस चैम्बर और इस टेस्ट ट्यूब को आपस में जोड़ा गया है, और जोड़ने में यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। और आप यहाँ देख रहे हो कि एक अधोमुखी विस्थापन, इस अभिक्रिया को अधोमुखी विस्थापन भी कहा जाता है। अरे सर, ये अधोमुखी क्या है? तो अधोमुखी बेटा मतलब ऐसे, जैसे देख रहे हो ये ऊपर वाला बीकर उल्टा लटकाया है। अब उल्टा लटकाने का कारण क्या है कि ये जो अमोनिया हमको यहाँ प्राप्त हो रही है, ये जो अमोनिया हमको प्राप्त होगी वो अमोनिया वायु से हल्की होती है, तो अमोनिया हल्की होने की वजह से ऊपर जाएगी। और जब ऊपर जाएगी तो इसीलिए बीकर को उल्टा करके रखा गया है कि वो हमको यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। कहाँ पर? यहाँ पर। अरे सर दिख तो नहीं रहा है बेटा, गैस है, नहीं दिखेगी। तो अब देखिए, अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया गया, और जब गर्म होगा तो क्या होगा, आपको विधि लिखने के लिए आएगा बेटा एग्जाम में। और विधि मैं आपको यहां समझा देता हूं कि आपको विधि में क्या क्या चीजें लिखनी है, आप उसी विधि को लिख दीजिएगा, पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा। क्या करना है तो याद रखना होगा कुछ चीजें। पहली क्या चीजें, जो हमारी अभिक्रिया है, बिना अभिक्रिया के याद हुए आप नहीं कर सकते, विधि नहीं बता सकते। तो आपको सबसे पहली चीज आप याद रख लीजिए कि अभिक्रिया, और अभिक्रिया हमारी क्या थी, तो अभिक्रिया थी अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl की अभिक्रिया जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल ट्वाइस के साथ करा रहे होते हैं, तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है। तो अभी आपने देखा था बेटा, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 जल, और जो हमारी काम की चीज थी, जो हमको बनाना था, वो था अमोनिया, और बैलेंस किया गया था तो यहाँ पे 2 हो गया था, यहाँ पे 2 हो गया था, और यहाँ पे 2 हो गया था, और ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई थी। तो पहला, तो आपको सबसे पहला चीज, जैसे ही प्रयोगशाला विधि से आपको अमोनिया बनाने के लिए आएगा तो आप सबसे पहली चीज याद रख लीजिएगा, कैसे बन रहा होगा बेटा, तो अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ, तो ये अभिक्रिया याद रखनी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना होगा, ये डायग्राम याद रखना होगा, ये जो चित्र है अमोनिया का, ये आपको याद रखना होगा, और इसमें हर एक चीजों को बहुत ध्यान से याद रखना होगा, और मैं इसी डायग्राम से आपको समझा दे रहा हूं, आप अपने आप कहानी लिख लोगे। कौन सी कहानी? अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलने की, जलने की, कैल्शियम ऑक्साइड से पास होने की, और लास्ट में अमोनिया बनने की। एक एक स्टेप आपको समझना है, और समझिएगा, सबसे पहला ये जो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेटा 3:2 के अनुपात में, किस अनुपात में रहते हैं बेटा, 3:2 के अनुपात में इनका मिश्रण लिया जाता है। पहली बात क्या याद रखिएगा कि 3:2 के अनुपात में इनका मिश्रण लेना है, और जब आप इनके मिश्रण को गर्म करोगे, तो हमको कुछ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? तो अमोनिया और जल, यहां पर गैस के रूप में जब आप इसको गर्म कर रहे होगे तो यहां पर आपको अमोनिया प्राप्त होगा, और ये जो अमोनिया प्राप्त होगा ये वाष्पशील अमोनिया होगा।
ये जो अमोनिया प्राप्त होगा, ये अमोनिया क्या होगा आपका, वाष्पशील अमोनिया होगा, इसमें नमी होगी, इसमें ये जो जल है इसमें ये जल होगा। तो जब आप इसको गर्म कर रहे होगे किसको, तीन संबंधित दो अनुपात में जो आपने अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है उसको जब आप गर्म करोगे तो आपको अमोनिया प्राप्त होगा, अमोनिया की गैस प्राप्त होगी जो कि क्या होगी, वाष्पशील होगी, उसमें आपका जल जल नमी होगी। और इसलिए यहां पे देखो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड लगाया गया है, और ये जब वाष्पशील अमोनिया इस ट्यूब से होते हुए इस कैल्शियम ऑक्साइड में प्रवाहित की जाएगी, तो जो वाष्प है बेटा इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, ये बेटा बिना बुझा हुआ चूना है, ये जो है आपका, ये आपका बिना बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। तो जब ये वाष्पशील अमोनिया पास होगी कहां से बेटा, इस बिने बुझे हुए चूने के साथ, तो वहां पे वो जो वाष्पशील पदार्थ होगा यानी वो जो जल की मात्रा होगी, वो जल की मात्रा अवशोषित कर ली जाएगी किसके द्वारा, इस बिने बुझे हुए चूने के द्वारा यानी कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, और जल अवशोषित हो गया तो शुद्ध अमोनिया यहां पे इस तरीके से आपको इस अधोमुखी बीकर में, जो उल्टा लटका के बीकर रखा गया है उस बीकर में प्राप्त हो जाएगी, और इसी तरीके से इसी प्रकार से आप अमोनिया प्राप्त कर लोगे। कहां पर, प्रयोगशाला में। तो ये जो काम हुआ, कौन सा काम, जो मैंने अभी बताया कि आपको अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तीन संबंधित दो के अनुपात में लेना है, उसको गर्म करोगे तो जब गर्म करोगे तो वाष्पशील अमोनिया प्राप्त होगा, उस वाष्पशील अमोनिया को कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे हुए चूने में से पास कराएंगे, और जब उसे बिना बुझे हुए चूने में से पास कराएंगे तो जो वाष्पशील होगा, जो वाष्प होगा वो अवशोषित हो जाएगा किसके द्वारा, कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, और आपको अमोनिया गैस, आपको क्या है, अमोनिया गैस जो है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बनाई जाती है तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बेटा कुछ बुक में ये जो मैंने तीन संबंधे दो का अनुपात लिखा हुआ है, ये जो इनका अनुपात तीन और इसका अनुपात मैंने दो लिखा हुआ है, कुछ बुक में ये आपको एक सही एक बटा दो और एक के अनुपात में दिखेगा। तो एक सही एक बटा दो को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ये तीन बटा दो संबंधे एक, और यहीं से आप किसको क्या लिख सकते हो, तीन संबंधे दो। तो यहां परेशान मत होइएगा कि सर बुक में तो एक सही एक बटा दो और एक के अनुपात में दिया हुआ है और आपने तीन संबंधे दो के अनुपात में बताया। कुछ बुक में एक संबंधे एक सही एक बटा दो और एक के अनुपात भी है, तो उस अनुपात को ओपन कर लो। तो ये वाला अनुपात याद करने से ज्यादा आसान हमको कौन सा है, तीन संबंधे दो वाला अनुपात याद रखना, ठीक है। तो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अमोनिया बनाने की ये विधि तो हो गई, कौन सी, अमोनियम क्लोराइड से, या फिर आप कह सकते हो प्रयोगशाला विधि, या आप कह सकते हो अधोमुखी विस्थापन द्वारा अमोनिया कैसे प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे प्राप्त किया जाता है जैसे अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगली जो विधि है वो देखिएगा, अगली विधि है आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे जो कि आपको दिख रही है, क्या है बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड को जल के साथ गर्म करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया प्राप्त होता है। यहां देखो दो तरीके से क्वेश्चन, और दोनों तरीके से में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे,
पहला तो जब बनाने की विधि आई है तो आप याद है ये विधि तो आप लिख दो, और दूसरा जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या होता है जब मैग्नीशियम नाइट्राइड को जल के साथ गर्म किया जाता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम नाइट्राइड को जल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है बेटा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट तो लिख लिया, अब स्टेटमेंट के बाद जो सबसे मेन पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा क्या है, क्या है, आप उसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, उसका सूत्र कैसे लिखोगे। तो उसके सूत्र को लिखने के लिए आप देखिएगा यहां पे हमको क्या करना होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र याद हो जाना चाहिए क्योंकि हमने कल के वीडियो में देखा था, और जिसने नहीं देखा वो कल का वीडियो एक बार फिर देख ले, उसको मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र याद हो जाएगा। और वो मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है बेटा, Mg3N2, इसको कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। कैसे बनाएंगे, पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज बराबर होने चाहिए। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो फॉर्मूला हो जाएगा Mg N2, और जब यह अभिक्रिया करेगा किसके साथ, जल के साथ, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बना रहा होगा। अब देखिए जैसे ही इसको जल के साथ हम इसको क्या कर रहे होंगे, गर्म कर रहे होंगे, तो गर्म करेंगे बेटा तो दो चीजें बन रही हैं, दो चीजें बन रही हैं, उन दोनों चीजों को समझिए, उन दोनों चीजों को समझिए, क्या क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला बनाने आना चाहिए, फॉर्मूला बना लोगे तो आप कर लोगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस को आप कहते हैं बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ और हमको क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है, उस अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये तो हो गया जो हमको बनाना था, क्या बनाना था, अमोनिया, कैसे, मैग्नीशियम नाइट्राइड को जल के साथ गर्म करने पे बन गया। लेकिन क्या ये अभिक्रिया जो आपके स्क्रीन पर है ये संतुलित अभिक्रिया है, तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे क्यों नहीं लगता, तो आप देखो इधर 3 मैग्नीशियम है, इधर 1 मैग्नीशियम है, संतुलित हो ही नहीं सकता, संतुलित करने के लिए मैंने यहां 3 कर दिया, अब मैग्नीशियम संतुलित हो गए। अब दूसरा देखिए उधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, क्या ये संतुलित है, नहीं संतुलित है, मैंने नाइट्रोजन को भी संतुलित कर दिया, मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को भी संतुलित कर दिया। अब देखिए मैग्नीशियम संतुलित, नाइट्रोजन संतुलित, तो अब बचा क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो हाइड्रोजन देखिए इधर 2 है और इधर कितना हाइड्रोजन है, तो 6 और 6 12 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है बेटा, 12 हाइड्रोजन है, देखिए 2 3 6 इधर है और 3 2 6 इधर है, तो 12 इधर है 2 इधर है, बराबर हो ही नहीं सकता, तो क्या करें हम 6 का गुणा कर दें इसमें, और जैसे ही आप 6 से गुणा करोगे तो 6 दुनी 12 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितना है बेटा, तो 2 ऑक्सीजन इधर और 3 ऑक्सीजन इधर, यानी 2 और 3 का गुणा कर दोगे तो टोटल 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। कैसे पता, तो देखो 1 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 ऑक्सीजन, तो 3 में कितना, 1 में 2 तो 3 में 6, 1 में 2 तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, आराम से है। तो ये हमारा आ गया संतुलित समीकरण। याद रखिएगा समीकरण को हिंदी में लिखते समय तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें संतुलित समीकरण हिंदी में नहीं लिखते हो, आप उसमें बस बता देते हो कि मैग्नीशियम नाइट्राइड जल के साथ गर्म करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया देता है। लेकिन जब आप उसका समीकरण लिख रहे होगे बेटा तो उस समीकरण में उसकी संतुलित समीकरण को लिखना होता है, और संतुलित समीकरण को संतुलित करना आपको आना चाहिए। क्लास कक्षा 10 में बताया गया होगा आप लोगों को समीकरण को संतुलित करना, कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, मैं यहां पे आपको छोटे में समझा देता हूं, क्योंकि समीकरण अगर संतुलित नहीं होगा तो भी नंबर नहीं मिलेगा। तो देखिए समीकरण अगर संतुलित करना है बेटा तो इसमें बस 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है, तो कौन कौन सा तत्व है, ठीक है, तत्व कौन से हैं, उसके बाद ये हमारा अभिकारक, ये हमारा अभिकारक, और इधर एक आप रख लीजिए उत्पाद,
यानी कौन कौन से पूरी अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व हैं, तो देखिए कौन कौन से तत्व हैं, मैग्नीशियम था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अभिकारक के तरफ कितना था, अभी मैंने इसको संतुलित कर दिया है, संतुलित वाले पे ध्यान नहीं देना है आपको, बिना संतुलित वाले पे ध्यान देना है। तो मैग्नीशियम पहले कितना था, इधर तीन था, और उत्पाद तरफ इस तीन को लिखने से पहले कितना मैग्नीशियम था, एक मैग्नीशियम था। नाइट्रोजन इधर कितना था, दो था, उधर कितना था, एक था। हाइड्रोजन इधर कितना था, दो था, और इधर कितना था, तो दो यहां पे, तीन यहां पे, पांच यहां पे था, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन, एक इधर था, एक ऑक्सीजन इधर था, और दो ऑक्सीजन इधर था। तो ये थे। अब इसको संतुलित करते समय आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले चीज याद ध्यान रखिएगा बेटा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एकदम लास्ट में संतुलित करते हैं, एकदम अंतिम में किसी को संतुलित करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सबसे पहले आप किसको संतुलित करेंगे, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। उसके अलावा कोई भी तत्व दिखे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई भी तत्व दिखे, सबसे पहले उसको संतुलित करो, उसके बाद आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे आओ। तो मैग्नीशियम आपने देखा था, इधर तीन था, इधर एक था। अब एक को तीन करने के लिए हमको इसमें क्या करना होता, तीन से गुणा करना होता, और जैसे तीन से गुणा करते हैं ये तीन हो जाता। तो अब मैग्नीशियम, अब बेटा तीन से गुणा करना है तो तीन से मैं इसमें तो गुणा करूंगा नहीं, इसमें क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैग्नीशियम कहां दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है, तो इस वाले में मैंने तीन से गुणा कर दिया, और जैसे ही आपने तीन से गुणा किया मैग्नीशियम दोनों तरफ संतुलित हो गया। लेकिन आप जब मैग्नीशियम संतुलित करोगे ना, तो बाकी चीजें असंतुलित हो रही होंगी, और बाकी चीजें कैसे असंतुलित हुई, देखो मैग्नीशियम के साथ इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है। तो पहले जो ऑक्सीजन था बिना संतुलित के वो दो था, अब कितना हो गया है, दो, और इस तीन का भी गुणा हो जाएगा, यानी अब ये दो था, अब ये दो नहीं रह गया, अब ये कितना हो गया है, छह हो गया। और ये छह हुआ कैसे, तो मैग्नीशियम को संतुलित करने की वजह से, ठीक, मैग्नीशियम संतुलित। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, नाइट्रोजन को संतुलित करना है, नाइट्रोजन को संतुलित करना है, तो नाइट्रोजन को संतुलित करना है, इधर दो नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन। और हाँ एक चीज और देखो, जब मैंने मैग्नीशियम संतुलित किया तो ऑक्सीजन छह हुआ और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन पांच था, पांच से बढ़ के अब हाइड्रोजन कितना हो गया है, तो छह यहां पे और तीन यहां पे, तो छह तीन कितना हो गया बेटा, नौ हो गया। हाइड्रोजन पहले पांच था, अब नौ हो गया। अब हम नाइट्रोजन को संतुलित कर रहे होंगे, तो नाइट्रोजन को जब संतुलित करेंगे तो दो से गुणा करेंगे, और दो से गुणा करेंगे तो ये दो हो जाएगा। अब दो से ये गुणा हो गया। अब देखो, जब फिर आपने नाइट्रोजन संतुलित किया तो इधर आपने कुछ नहीं किया है, तो इधर कोई परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपने इधर फिर दो से गुणा किया तो अब ये फिर हाइड्रोजन जो नौ था वो फिर चेंज हुआ, अब कितना हो गया, ये नौ से बढ़कर बारह हो गया। नौ से बढ़कर क्या हो गया, बारह हो गया। अब आपके पास आ गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखिए, इधर एक है, इधर छह है, तो एक को छह करने के लिए आप इसमें क्या कर दो, छह से गुणा कर दो, या फिर इधर दो है इधर बारह है, तो इधर वाले ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन वाले में छह से गुणा कर दो तो भी वो बारह हो जाएगा, यानी दोनों में से किसी एक में। तो क्या किया हमने, H2O दोनों एक साथ था, छह से हमने गुणा किया, और जैसे ही छह से गुणा कर दिया हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो समीकरण को संतुलित करना, यहां पे जब मैंने बताया था तो ये बहुत सरल लगा, अच्छा सर यहां तीन से, यहां दो से, यहां छह से बराबर, लेकिन ये इतना सरल तब होगा जब आप प्रैक्टिस में रहोगे, जब आप रोज लगा रहोगे, रोज अपने से एक रिएक्शन लिखोगे, उस रिएक्शन को संतुलित करोगे, और जब आप रिएक्शन लिख के उसको संतुलित कर रहे होगे तब आपको समझ में आएगा कितना आसान है। लेकिन जब आप सीख रहे होगे ना, तो सीखते समय आपको यही करना है, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी विधि भी समझ में आ गई होगी आपको, अमोनिया बनाने की। अमोनिया कैसे बनेगा, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड और जल के साथ गर्म करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपको अमोनिया भी प्राप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, अगली विधि देखते हैं, अगली विधि हमारी क्या है, तो कैल्शियम साइनेमाइड सॉरी ये भी आपने कल देखा था, कैल्शियम साइनेमाइड। और इस कैल्शियम साइनेमाइड को
इस कैल्शियम साइनेमाइड को जब उच्च दाब पर अति तप्त भाप के साथ गर्म करोगे तो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और साथ ही साथ अमोनिया प्राप्त होगा। चीजें याद रखिए, कैल्शियम साइनेमाइड को उच्च दाब पर अति तप्त भाप के साथ गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा अमोनिया प्राप्त होता है। और कैल्शियम साइनेमाइड का कल ही आपने सूत्र लिखा था बेटा, कैल्शियम साइनेमाइड का सूत्र होता है क्या? CaCN2। अच्छा, अब भाप का सूत्र तो सर हमको नहीं पता। सर ये भाप क्या होता है? अब भाप का सूत्र हम कहां से ले आए? तो बेटा भाप क्या मतलब हो गया बेटा ना, जल। जल को जब आप उच्च ताप पर गर्म करोगे तो उसमें से भाप निकलेगा, और वो भाप जो होना चाहिए तप्त भाप होना चाहिए, मतलब गर्म भाप होना चाहिए। याद है जब सर्दी जुखाम होता है ना, तो वो पानी गर्म करके आप वो ऐसे भाप लेते हो तो सर्दी जुखाम सही हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि गर्म पानी लिया नाक में डाल दिया, हाँ सर्दी जुखाम सही हो गया, उसके लिए भाप लेते हो ना। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, कैल्शियम साइनेमाइड को जब उच्च दाब पर, प्रेशर ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होना चाहिए, और अति तप्त भाप, भाप मतलब बेटा भाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता, भाप की जगह आपको जल लेना होगा। क्या लेना होगा? जल। और जब कैल्शियम साइनेमाइड और जल की अभिक्रिया कराई जा रही होगी, कब कराई जा रही होगी, तो ये यहां पे आप याद रखिएगा, यहां पे बेटा ये उच्च दाब होगा, दाब क्या होगा, उच्च होना चाहिए, और उच्च दाब पर जब आप ये कराओगे और तप्त भाप भी है, तो ये देखो ये जो जल मत समझिएगा इसको ना, ये क्या है, भाप है। और ये भाप कैसा है बेटा, तो तप्त भाप है। कैसा भाप है? तप्त भाप है। यानी गर्म भाप है, ठीक है, ये तप्त भाप है। और जब इसको उच्च दाब पर आप गर्म करोगे तो क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है? CaCO3। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला? CaCO3 प्लस अमोनिया यानी NH3। ये बना, ये तो बन गया, लेकिन ये जो बना है क्या ये संतुलित समीकरण है? फिर से देख लीजिए। तो आप देखो कैल्शियम एक, कैल्शियम एक बराबर है। सर कार्बन दो, कार्बन एक बराबर नहीं है। सर हाइड्रोजन दो, सर बहुत चीज इसमें इधर उधर है, तो करना पड़ेगा बैलेंस। आप चाहो तो उसी तरीके से चार्ट बना के करो, या फिर देखिए क्या करना है आपको। इधर देखिए नाइट्रोजन दो है। अब नाइट्रोजन दो है तो पहले मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया, इधर दो से गुणा करके नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब कार्बन दो दिख रहा है, कार्बन तो इसमें है, कार्बन दो है, लेकिन अब देखो जैसे आप यहां दो करोगे, आप यहां दो कार्बन किया आपने, तो दो कार्बन करने के लिए कैल्शियम दो हो जाएगा, और कैल्शियम दो होगा तो फिर आपको यहां कैल्शियम संतुलित करना होगा। तो कैल्शियम के लिए देखिए क्या करना होगा आपको, यहां पे कैल्शियम के लिए क्या करना होगा भाई, तो फंस रहा है इसको, इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइनामाइड, तो CH3, और यहां पे आपने किया 3H2O, क्या किया 3H2O, और 3H2O यानी ऑक्सीजन आपका संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया, नाइट्रोजन संतुलित हो गया। और हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लो, ये जो कैल्शियम साइनामाइड बेटा ना, यहाँ कैल्शियम साइनामाइड का थोड़ा सा फॉर्मूला सही कर लो। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला CaCN2। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCN2। अब देखिए, अब ये आपका संतुलित है, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, दो नाइट्रोजन है, उधर भी दो नाइट्रोजन है, छह हाइड्रोजन है, तीन ऑक्सीजन उधर है, और तीन ऑक्सीजन आपका क्या है इधर भी है। तो कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मूला आपका CaCN2, ये आपका है स्क्रीन पर। क्या है कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मूला? CaCN2। और इसको जब हम भाप के साथ गर्म कर रहे होंगे उच्च दाब पर, तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड से को जल के साथ गर्म करके कैल्शियम साइनेमाइड का, और प्रयोगशाला विधि। इसके बाद एक और विधि है जो कि आपके एग्जाम में आती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
थोड़ी बड़ी भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसको बेटा कहा जाता है हैबर विधि, जिसको क्या कहा जाता है हैबर विधि, यानी हैबर विधि से अमोनिया का बनना। हैबर विधि से अमोनिया कैसे प्राप्त होगी उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।